इस वीडियो में बैरिंग के वो टेन क्वेश्चन बताएंगे जो बेसिक क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैरिंग यानी कि बैरिंग कितने टाइप्स के होते हैं ऑप्शन दिए टू थ्री फोर एंड फाइव तो इसका सही आंसर होगा टू टाइप्स क्योंकि मेरे टू टाइप्स के ही बैरिंग्स होते हैं बाकी जो उनके टाइप्स है वो आगे आ जाते हैं लेकिन मेनली टू टाइप्स ही होते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग जिसको एंटी फ्रैक्शन और फ्रिक्शन बैरिंग ये भी कह सकते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बैरिंग कौन सा ऐसा टूल है जो बैरिंग दूसरा दिया है फिलर गेज तो इसका सही आंसर होगा हमारा फिलर गेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री विच पार्ट ऑफ बैरिंग इज नॉट रोटेट यानी कि कौन सा बैरिंग का ऐसा पार्ट है जो शाफ्ट के साथ में रोटेट नहीं होता है तो इसमें ऑप्शन दिए इनर रिंग सेकंड है आउटर रिंग थर्ड है रोटेटिंग बॉल्स तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आउटर रिंग क्योंकि आउटर रिंग ही बैरिंग का ऐसा पार्ट होता है जो हमारा शाफ्ट के साथ में रोटेट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर विच बैरिंग इज यूज फॉर हाई स्पीड इसमें दो ऑप्शन दिए बॉल बैरिंग्स रोलर बैरिंग्स यानी कि कौन सा हाई स्पीड के लिए यूज होता है तो इसका सही आंसर होगा बॉल बैरिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव ट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बैरिंग यानी कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर जो बैरिंग्स में मोस्टली पाया जाता है बेसिक सा टेम्परेचर पूछा है बैरिंग साचर थोड़ा हाई भी हो सकता है लो भी रह सकता है लेकिन एक बेसिक टेम्परेचर होता है जो बैरिंग्स में होता है इसके ऑप्शन दिए हमारे ट्वेंटी टू फोर्टी फोर्टी टू एट्टी एटी टू वन ट्वेंटी और वन ट्वेंटी टू वन सिक्सटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्टी टू एट्टी यानी कि बी पार्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच बैरिंग टेक्स मोर लोड यानी कि कौन सा ऐसा बैरिंग है जो ज्यादा लोड लेता है उसके तो दो ऑप्शन दिए बॉल बैरिंग्स और रोलर बैरिंग्स तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रोलर बैरिंग क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है तो ये लोड ज्यादा गेन कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट डज डबल जेड मीन ऑन बैरिंग नंबर किसी बैरिंग नंबर पर भी जब हमारा डबल जेड लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है इसमें दो ऑप्शन दिए हैं मेटल सील ऑन वन साइड दूसरा ऑप्शन है मेटल सील ऑन बोध साइड तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटल सील ऑन बोध साइड यानी कि बी पार्ट क्योंकि डबल जेड यही अगर सिंगल जेड होता तो इसका ऑप्शन हो जाता यानी कि ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आठ व्हाट इज पर्पज ऑफ केज इन बैरिंग देखिए केज एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बैरिंग का और पूछा है कि इसका पर्पज क्या है क्यों है ये केज हमारा बैरिंग तीन ऑप्शन है हमारा ए है मेंटेन द बॉल स्पेसिंग सेकंड है हमारा सेपरेट द बॉल्स और थर्ड है हमारा बोथ तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ यानी कि ये दोनों ही काम करता है मेंटेन द बॉल स्पेसिंग और सेपरेट द बॉल्स को सेपरेट करता है यानी कि उसके जो रोलर्स या बॉल्स होंगे उनको सेपरेट रखता है और इसका नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय के इन बैरिंग यानी कि बैरिंग में क्या होता है किसी बैरिंग्स पर अगर के लिखा है तो इसका क्या मतलब है तो इसका आंसर हो जाता है कि जो उसका बैरिंग का बोर होगा वो टेपर में हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स कॉड एम ऑन द बैरिंग यानी कि बैरिंग्स पर एम लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केज इज ब्रास यानी कि उस बैरिंग की जो केज होगी वो ब्रास की होगी इसलिए उस पर एम लिखा है तो ये थे हमारे बेसिक से क्वेश्चंस। अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट जरूर बता दिएगा अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए